स्वतंत्रता और स्वाभिमान के विरुद्ध लड़ा और अकबर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको युद्ध या युद्ध की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती थी, इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। इस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सके और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी में निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हनीश भूमानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी शिवानी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी शिवाली जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। इसकी विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव और साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सोंगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को